आइए इस बरसात के मौसम को बनाते हैं कुछ खास इस सूजी और बेसन की रेसिपी के साथ। तो ये हमारी रेसिपी बन चुकी है, तो देखते हैं कैसी बनी है खाने में। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग भी इस रेसिपी पर जरूर बनाइएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विभाग रसोई में। बरसात के दिन आ चुके हैं तो काफ़ी कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो उसके लिए आज देखिए आज एक सूजी और बेसन का बहुत ही आसान सा और क्रिस्पी चटाकेदार नाश्ता मुझे जा रहा है बनाने। और ये देखिए हमने एक प्लेट सूजी डाल लिया था, उतना ही जितना सूजी उतना ही बेसन डाल देंगे इसमें हम लोग। और इसमें फिर हम लोग स्वादानुसार नमक डालेंगे अपने, ये हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें। अब इसको पानी डाल के इसका हम लोग पतला सा घोल बनाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब इसको मिक्स करेंगे हम लोग। इसे पानी डालते हैं ना, इसका हम लोग को एकदम पतला घोल बना लेना है। अब ये देखिए हमने एकदम पतला घोल बना के तैयार कर लिया है। अब इस पॉइंट में इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे हम लोग, एक चौथाई चम्मच करीब हमने हल्दी डाल दिया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सर को इसी तरह से रहने देंगे और चलेंगे हम लोग अब पैन गर्म करेंगे। और ये कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा हम लोग ने हींग डाला है, आधा चम्मच से भी कम हम लोग इसमें अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच के करीब हम लोग इसमें सरसों डालेंगे और आधा चम्मच हम लोग जीरा डालेंगे। अभी इस सबको हम लोग को थोड़ा सा मिक्स मिला लेंगे, इसको चटकने देंगे, हमारे फौरन अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और ये हमारा फौरन हो चुका है। और इसमें हम लोग हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई, आप जैसा तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डालें। और इसी के साथ में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें एक टेबल स्पून के करीब में, और इसको मिक्स करके एक मिनट तक हम लोग भून लेंगे इसको। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रहे हैं, ये कोई कम बसी नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास थी इसलिए मैं थोड़ा सा डाल दी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग, 10 से 15 सेकंड के लिए और भून लेंगे इसको हम लोग। अब इसमें हम लोग जो हमारा घोल था वो हम डालेंगे, ऐसे डालते ही चलाना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ही जल्दी तैयार होता है। इसे मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाते रहें जब तक कि ये पूरी तरह से सूख न जाए। जब ये आटे का जैसे डो लगता है उस तरह से जब तैयार हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को हम लोग बंद करके इसको बाहर निकालेंगे। इसे लगातार चलाते रहें, रोके बिल्कुल भी ना। अब इसी पॉइंट में इसमें हम लोग कुछ मसाले डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें हम लोग, और 1/4 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने इसमें गर्म मसाला डाल दिया है। अब इसको मिक्स करते हुए लगातार चलाते हुए हम लोग पकाएंगे। देखिए अभी से ये सूखा होना स्टार्ट हो गया, अब देखिए बिल्कुल सूखने वाला है। इसमें गैस की फ्लेम को हम लोग एकदम कम पे करके इसमें एक बड़ा साइज का नींबू, तो एक नहीं तो 2 नींबू का रस डालेंगे इसमें हम लोग। देखिए नींबू रस मैंने डाल दिया इसमें, अब इसको लगातार मिक्स करते हुए देखिए बिल्कुल सूखा हो रहा है, इसको इसी तरह से चलाते जाएंगे।
गैस की फ्लेम को हम लोग लो ही पे रहने देंगे। अब देखिए हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है डो। देखिए नीचे से ये पैनी छोड़ दिया है, इसका मतलब कि ये पूरी तरह से तैयार है। अब इसको हम लोग रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसमें एक मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज डाल देंगे हम लोग। और उसके बाद में इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हम लोग। और अपने हाथों में तेल लगा के फिर इसे हम लोग मिक्स करेंगे। हाथों में तेल लगाने से ये चिपकेंगे नहीं, ऐसे हम लोग हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक भी टेस्ट करते हैं, अगर नमक कम हो तो आप नमक भी डाल सकते हैं, इसमें नमक ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा डो को अपने हाथ में लेना है, अपने हाथ में तेल लगाया हुआ है। और फिर इसको मनचाहा शेप, जो भी आप शेप पसंद करते हो उस शेप में आप इसे बना लें। मैं इसी तरह से चपटा चपटा बना दे रहा हूँ ताकि ये फ्राई करने में आसानी हो और खाने में भी सही रहेगा इस तरह से। बस आप इसी तरह से इसको बनाते हुए चले जाएंगे, इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। और देखिए इस तरह से हमने सबको बना लिया। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे, चाहे आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या सेल्फ फ्राई भी कर सकते हैं। और देखिए पैन में हमने गरम कर लिया है। अब एक एक पीस को संभाल के इस तरह से हम लोग इसमें डाल फ्राई करते जाएंगे। ये कुछ बड़े और कुछ छोटे पीस बनाए हैं हमने। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। अब एक तरफ हल्का सिक जाएगा तो उसको हम लोग इसको पलट लेंगे दूसरे साइड में। अब लोग हम उसको धीरे धीरे पलटेंगे एक पीस को। अभी थोड़ा सा और लाल रंग देंगे तब पलटेंगे। अब इन सबको हम लोग धीरे धीरे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इसको पलट लिया, इस तरह से सारे पीसेस को हम लोग पलट लेंगे। ये सबको हमने पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी हमारा हो जाए तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग पलट के देखते हैं कि हमारा दूसरा साइड हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बिल्कुल लाल हो चुके हैं, अब ये पक के तैयार है। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में हमने नैपकिन पेपर लगा के उसमें सबको निकाल ले रहे हैं ताकि जो इसका एक्सेस तेल हो वो बाहर निकल जाए उस पर। ये इस तरीके से इस तरह से सबको बाहर निकाल लेंगे इस पर। और ये देखिए ये हमारा चटाकेदार नाश्ता पूरी तरह से बन के तैयार है। जो इसका ज़्यादा तेल था वो बाहर निकल चुका है नैपकिन पेपर पे। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। धन्यवाद।